सोहन गोगोई हमारे साथ कनेक्ट हो चलो चुके हैं। हाय हाय अनुपम भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? थैंक बढ़िया, एकदम बढ़िया। यू। और कैसे चल रहा है सब? इस पॉडकास्ट में मुझे कुछ शेयर करने का मौका तुमने दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू कि आप आए हमारे साथ जुड़े। हमारे पॉडकास्ट की शोभा बढ़ी आपके आने से। यू और से सारे व्यूअर्स को जितने भी इस पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं उस सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ। तो आज जो हम पॉडकास्ट करेंगे, पहले तो अनुपम भाई अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप किस तरह के आर्टिस्ट हैं, क्या करते हैं आप। चलिए, मैं तो बचपन से ही मेरा पेंटिंग से एक लगाव था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पिताजी बाजार से तब कागज लाते थे, उसमें मैं कलर पेंसिल से या फिर ऑयल पेस्टल से कुछ ना कुछ बनाता था। तो मेरे पिताजी भी एक आर्टिस्ट हैं और मेरे पिताजी को देखता था, वो कितने बड़े बड़े और बैनर्स पे साइन बोर्ड्स पे वो काम करते थे। तो लेकिन मैंने पिताजी खुद के पास नहीं बिठा के मुझे सब कुछ नहीं शेयर किया, तो धीरे धीरे मैं कंपटीशन में भाग लेने लगा। लोकल जो कंपटीशन है आर्ट के ऊपर, तो उसमें मैं फर्स्ट आता था। और उसके बाद मेरे जो 10th स्टैंडर्ड हुआ, तो उसमें उसके बाद मेरा एक लाइफ में ह्यूज गैप आया, क्योंकि मुझे अब चुनना था कि आर्ट कॉलेज में जाऊं या फिर करियर बनाऊं अपना। तो मेरी जो बड़े भैया है तो वो मुझे उनके पहले अपना करियर बनाते हैं, क्योंकि आर्ट लाइन के बारे में कुछ उस टाइम पे कुछ अच्छी तरह मुझे पता ही नहीं चला। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपके लोग बोल रहा हूँ। मैं उसके बाद मैं स्कूल सर्विस वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में एग्जाम में बैठा, और 2010 के टाइम में मुझे जॉब मिला, क्योंकि अर्निंग बहुत जरूरी था उस बंगाल। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे उस टाइप के फेसबुक नया नया लॉन्च हुआ था, तो मैं कुछ कुछ आर्टवर्क देता था, तो पब्लिक का बहुत छोटा मोटा उस टाइम पे 50 या फिर 100 लाइक्स बहुत मायने रखते थे। तो जो भी सारे व्यूअर्स या फिर पीपल थे, उन सभी से मुझे बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिला। वो सभी मुझे बहुत ही आगे आगे बढ़ने के लिए बहुत मुझे विशेष थी, तो इसलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मैं अभी भी यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, यहाँ पर वो गोल्ड मास्टर्स की जो वर्क है, आर्ट की डेप्थ में सारे के सारे, रियलिज्म से लेकर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तक, जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सभी का वर्क देखना बहुत ही पसंद करता हूँ उससे, क्योंकि मुझे लगता है कि सीखने का कोई एज नहीं होता, सीखने का कोई टाइम। सो अभी भी मैं सीख रहा हूँ और स्टडी हो। तो आपका जो कंफ्यूजन था आर्ट कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना, फिर आपने मतलब आर्ट कॉलेज गए थे या फिर आपने उसको ड्रॉप कर दिया था? सॉरी, नहीं, कह रहा था कि आपका जो कंफ्यूजन था ना आर्ट कॉलेज में जाने ना जाने का, आप आर्ट कॉलेज गए थे या आपने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था, या आपने फिर सेल्फ से ही खुद से स्टडी करी सारी? मैं आवाज नहीं सारे मिल के रहा। सारे उस टाइम में मेरा कुछ आइडियाज भी नहीं था, मुझे पता नहीं चला था कि मैंने उस टाइम से मुझे आर्ट को लेकर जो इतना बड़ा फील्ड है उस टाइम में, ये मुझे पता भी नहीं चला था। लेकिन 2010 के बाद मुझे धीरे धीरे सोशल मीडिया से मुझे मालूम पड़ा कि आर्ट के फील्ड भी इतना भी बड़ा होता है, उसमें काम करने का इतना एरियल्स है। तो मैं खुद ब खुद मैं स्टडी करता था, यूट्यूब में वीडियो देखता था, तो ऐसे करके धीरे धीरे मैं खुद को एंट्रिस्ट करना नहीं। अब जैसे आपके टाइम पे ना बिगिनर्स जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि वो आर्ट कॉलेज जाएँ या ना जाएँ, स्पेशली जो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं अभी, उनको कई बार कन्फ्यूजन आती है।
कि हम आर्ट कॉलेज करें या ना करें या हम सेल्फ थॉट करें, तो आप इसमें क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो कि आर्ट कॉलेज जाना चाहिए या फिर सेल्फ थॉट करना चाहिए, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इस चीज को लेकर? एक और सौरभ, मैं एक बात मानता हूँ कि पहले तो जो भी बंदा आर्ट फील्ड में जाना चाहे उसको खुद से एक सवाल करना चाहिए कि मैं आर्ट को कितना प्यार करता हूँ, और आर्ट जो चीज़ है वो लाइफ में मेरा कितना मैटर करती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं शौक के लिए मैं दो एक पेंटिंग बना लिया और उसमें मैं खाबो में हो गया, ये ऐसा नहीं होता। तुमको टाइम देना पड़ेगा, और अगर तुम्हें लगा लग रहा है कि आर्ट फील्ड में मुझे ग्रो अप करना चाहिए तो उसके लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ बिगिनर से मेरा मैं देखा कि वो काम करते हैं, क्योंकि काम करने के बाद वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद वो दिन में थोड़ा सा 1 या 2 घंटा निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में आर्ट के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी भी मैं बोलना भूल गया कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ मैं। तो मैं अभी भी जब भी मुझे मौका मिलता है वहां पर स्केच बुक लेकर बैठ जाता हूँ और कुछ ना कुछ बनाता हूँ। तो ये तो खुद सोचना चाहिए कि मुझे आर्ट से कितना लगाव है, और उसके बाद काफी एडवर्सिटीज है। तो मैं खुद रूटीन से मानने वाला कोई ऐसा खुद भी मैं नहीं, मेरे साथ पॉसिबल नहीं हुआ कि एक रूटीन के मुताबिक चल। लेकिन मैं ऐसा है कि सारे दिन में अगर मैं कोई आर्टवर्क नहीं बना या फिर प्रैक्टिस में नहीं रहा, मुझे अच्छी तरह नींद भी नहीं आता है। ये तो बहुत खास चीज है। तो तो मुझे इसमें ये ये चीज लगता है कि अगर हाँ अगर कॉलेज में जाने की कन्फ्यूजन है, सबसे पहले तो बंदे को अपनी सिचुएशन देखो कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी ओवर एज हो रही है, अगर आप 25-30 साल तक जा रहे हो तो कॉलेज आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, बहुत सी चीज़ें करनी है। अगर आप स्टूडेंट हो, और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की आती है कि 12th के बच्चे जब ये सोचते हैं कि हम आर्ट कॉलेज में जाएँ या ना जाएँ, तो कन्फ्यूजन आपको हो क्यों रही है? अगर आप जैसे आपने बोला कि आर्ट से प्यार है, तो अगर आप किसी से प्यार है तो फिर आप कंफ्यूजन होगी, आप सीधे उसमें कूद पड़ो। आपको अगर कॉलेज जाना है तो आप जाओ, क्योंकि डिग्री तो एट दी एंड आप कोई ना कोई डिग्री करोगे ही 12th के बाद, ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे, या तो आप बीए करोगे या आप कुछ कुछ और करोगे, बीबीए करोगे या एमबीबीएस करोगे। अगर आपको करनी है डिग्री, तो फिर जो आपके लिए बनाई है, आप उसके लिए पीएफए की डिग्री बनाई है, आप उस पर जाओ, आप उसको करो, क्योंकि कॉलेज जाने से आपको जो बेनिफिट मिलेंगे और सेल्फ वर्क में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, आपको वो खोजने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको निकालनी पड़ेंगी खोज खोज के, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा देखो सौरभ, मेहनत लग कितना भी जाएगी। अपॉर्चुनिटीज इधर उधर है, कितना भी अपॉर्चुनिटीज है, उस टाइम में मैं अपने पिताजी को देखा था कि इतना भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता था। वो खुद ब खुद कलर्स बनाते थे उस टाइम में, और ब्रश को लेकर फेंक देते थे। मैं उसको दो एक ब्रश उठा लेता था, और पिताजी की डांट पड़ी थी बहुत उस टाइम पे। मैं बहुत छोटा था, तो मैंने देखा कि उस टाइम में आर्टिस्ट क्या काम करते थे। और अगर इस टाइम का बात करें, जैसे कि तुमने बोला कि आर्ट कॉलेज में जो भी फैकल्टीज है या फिर अपॉर्चुनिटीज है, उसको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि एक सीखने का बहुत बड़ा फास्ट फील्ड है ना। हाँ, आज के टाइम में ना मैं ये देख रहा हूँ अनुपम भाई के बहुत ज़्यादा ना ट्रेंड चल गया है। एक तो ड्रॉप आउट का ट्रेंड चल गया है कि ड्रॉप आउट करो ड्रॉप आउट करो, दूसरा ट्रेंड चल गया है कि सेल्फ थॉट सेल्फ थॉट सेल्फ थॉट, हर चीज़ उससे करने का ट्रेंड। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ट्रैप बन गया है ना लोग, मतलब लोगों ने इस पर इतना क्या बोलते हैं हाईलाइट करके दिखाया है कि बिल गेट्स ड्रॉप आउट था। अब वो भी तो देखो ड्रॉप आउट वो कहाँ से था, और फिर आप ये देखते हो कि आप सेल्फ थॉट जब आप कंपेयर करते हो ऐसे आर्टिस्टों से जो सेल्फ थॉट थे और वो बन गए, लेकिन उन्होंने मेहनत कितनी करी आप वो नहीं देखते, क्या आप उतनी बिल्कुल मेहनत कर सकते हो? ये सब चीज़ें सब देखना पड़ता है फिर। तो कई बार ना लोग इस वजह से हाईलाइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर, फैसिनेट हो जाते हैं। और कुछ सेल्फ थॉट आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रमोट भी कर दी है गलत तरीके से,
सैमफोर्ड ही सब कुछ है कि सैमफोर्ड बन के आप कर सकते हो, सैमफोर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा चीज़ों को। आप ये नहीं कि आप उन सबको देख के कूद पड़ रहे हो और करे जा रहे हो उल्टी सीधी गलत हरकतें कर रहे हो, आप बाद में फंस रहे हो उसी चीज़ में, उसी ट्रैप में फंस रहे हो कि एक जने ने ड्रॉप आउट किया तो हम भी ड्रॉप आउट कर लेंगे तो हम भी बड़े बन जाएंगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाती हैं। सबका सिचुएशन एक नहीं होता है, डिफरेंट हाँ डिफरेंट वही सिचुएशन में है, और एक किस्म की आर्टिस्ट भी नहीं होता है, हर का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, रियल तुम है, एब्स्ट्रैक्ट है, या फिर तुम ले लो डिजिटल जो क्रिएटर से, हर का एक अलग काम करने का एक अलग अलग तरीका होता है, सबका सिचुएशन एक नहीं होता है, तो डेली वर्क में लगे रहना ये तो बड़ी बहुत बात। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी सवाल किया एब्स्ट्रैक्ट और वर्सेस रियलिज्म, तो आपका झुकाव किस में ज्यादा है, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ या रियलिज्म की तरफ, और है तो क्यों है उस तरफ की झुकाव है आपका? पहले तो मैं रियलिज्म से ही ग्रो अप कर रहा था एक टाइम पे, अब मैं थोड़ा थोड़ा सेमी रियलिस्टिक काम कर रहा हूँ, और मैं ऐसा पहले सोचता था थोड़ा सा तो आप इसको थोड़ा सा इस जो आपने टर्म बोली ना सेमी रियलिस्टिक, एक बार थोड़ा बता दीजिए हमारे बिगिनर्स के लिए कि सेमी रियलिस्टिक मतलब क्या, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? सर सेल्फ रियलिस्टिक होता है कि तुम एक जो रेफरेंस को लेकर काम कर रहे हो, जैसा कि ट्रेंड है ना फोटो रियलिस्टिक, या फिर ओल्ड जिस वक्त आर्ट के हिस्ट्री की बात करें तब कोई कैमरा नहीं था, तो उस टाइम पे आर्टिस्ट सामने कोई मॉडल रख रख कर या फिर उसको सामने बिठा कर कोई कॉम्पोजिशन ड्रॉ करते थे, तो उसका जमाना एक अलग था, तो आर्ट के फील्ड में धीरे 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 एक रेवोल्यूशन आया, और सॉरी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बाद जो रियलिज्म है उसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके मान लो कि इंप्रेशनिस्ट जो पेंटर थे उसमें थोड़ा थोड़ा करके आर्टिस्ट अपनी नज़र से कुछ ना कुछ देखने लगा, कुछ अलग तरीके से, जो कि एक कैमरा में या फिर सामने वाले बंदे जो देख रहे हैं वैसा विजन नहीं, कुछ अलग तरीके से, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक रियलिज्म भी रहा और एब्स्ट्रैक्ट का जो टच है वो दोनों ब्लेंड होकर बनता है सेमी रियलिस्टिक, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत एक वास्ट फील्ड है कि सेमी रियलिस्टिक होता क्या है, तो अगर मोटा मोटा समझो तो ऐसा ही मेरे। जैसे कि आज के टाइम पे बिगिनर्स रियलिस्टिक से पिछले करते हैं कि इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिल जाएं और सिर्फ अपने लाइक्स को फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए, पर वो रियल आर्ट की तरफ फोकस नहीं हो पाते इस वजह से। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सेमी रियलिस्टिक कर रहे हो, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा सा रियलिज्म हो गया, उसी बीच में जैसे कि मैंने आपसे कुछ आर्ट वर्क वगैरह देखे थे, आप उसको थोड़ा सा अगर आप बता दीजिए कि इसमें आपने मतलब ये क्यों किया, किस वजह से आपने बनाई हुई जैसे कि ये वाला एक आर्ट वर्क है आपका, मेरा दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए मुझे। एक टाइम पे मैं जो बता था, मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं पहले ग्रिड यूज करके मैं आर्ट करता था, उस टाइम पे मुझे ओल्ड मास्टर्स के आर्टवर्क बहुत मुझे इंस्पायर करते थे, उसके बाद धीरे धीरे मैं मुझसे खुद से पूछना लगा कि क्या मेरा कोई डिफरेंट स्टाइल मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं ट्राई क्यों नहीं कर रहा हूँ कि डिफरेंट तरीके से कुछ चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक आर्टिस्ट जब ग्रो अप करती है तो वो एक पर्टिकुलर स्टाइल की तरफ बढ़ जाते हैं, वो ठीक है एक टाइम पे, लेकिन पिकासो जैसे आर्टिस्ट की बात करें वो को लाइफ पीरियड के साथ साथ वो बदलते रहे, तो मुझे ये खास चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आर्टिस्ट को स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे मैं स्केचेस बनाता था, तो उसमें मेरा जो मैं पेंसिल से ड्रॉ करता था या फिर स्केचेस बनाता था उसमें मुझे
लगने लगा कि इससे भी कुछ स्टाइल बन सकती है। फिर मैंने आ, आ, एक बहुत ही बड़ा इंडियन आर्टिस्ट है श्री विकास भट्टाचार्य, तो उसके जो थॉट प्रोसेस है उससे मैं बहुत दो एक किताबें उठा ली। उसमें मैं उसका लाइफ का या फिर आर्टिस्टिक विजन कैसा रहा, एक आर्टिस्ट के पीछे थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं इंस्पायर होने लगा कि आर्टिस्ट का मतलब तो ये नहीं है कि मैं कुछ भी एक, वो तो मैं स्किल को एनरिच करने के लिए मैं तो डेली प्रैक्टिस वर्क में हूँ, लेकिन मुझे ये नजरिया बहुत अच्छा लगा कि विकास भट्टाचार्य और फिर मकबूल फिर हसन के बात करें तो उनका सोसाइटी या फिर लाइफ की जो विजन है वो सारे सारे इंसिडेंट्स को वो पेंटिंग में लाते थे, तो मैं भी खुद ट्राई करने लगा कि, तो इसी हिसाब से मैं ये तुमने जो दिखाया इस पेंटिंग से मैं छोटा छोटा रेफरेंस मैं कलेक्ट करता था और मैं देखता था कि उसको कैसे जुड़ा जाए, क्या वो एक जिंदगी की कोई थॉट को दर्शाता है कि नहीं, तो ऐसे करके मैं दिमाग पर बहुत जोर लाना पड़ता है, तो मैं ऐसा करके ही वो बनाया था। 6 या 7 साल हो गए इस पेंटिंग का। आपका प्रोसेस क्या रहता है एक आर्ट वर्क को बनाते टाइम? आप पहले क्या करते हो, थंबनेल स्केचेस बनाते हो, किस तरीके से करते हो थॉट का काम आप थॉट का भी, और साथ मतलब पूरा प्रोसेस आपका पेंटिंग स्टार्ट जब थॉट आता है उसको बनाने तक, फिर थंबनेल स्केचेस बनाने तक, फिर कैसे आप उसको करते हो पेंटिंग कैनवास वगैरह इस पर भी आप करते हो? ये बहुत अच्छा सवाल है सौरभ। एक टाइम ऐसा था कि मैं सोचने लगा कि मैं क्या डिफरेंट क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मुझ में ये एबिलिटी है, तो मैंने देखा कि इस तरह सोचने के लिए क्या बनाऊं, इसमें बहुत सारे जो बिगिनर्स है इसमें फंस जाते हैं कि क्या बनाऊं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसा इस रास्ते में अगर जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं लाइफ से एक्सपीरियंस लिया हूं कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आता है तो इंस्टेंटली आएगा, वो सोचने या बैठने पर या फिर 1 दिन या 2 दिन से सोचने पर ये नहीं आएगा। मैं जब नहाता हूँ उसमें कोई भी नहाते कोई टाइम चीज आते हैं एक साबुन का देखकर ही एक थॉट आ जाता है, तो ये इस तरह मैं कुछ ना कुछ पिंटरेस्ट पर या फिर गूगल पर या फिर कोई फोटोग्राफी पर मैं रेफरेंस को ढूंढता हूँ, एक मुझ मुझ में कोई रेफरेंस या फिर मान लो कि एक खाली कोई बकेट है उसको देखकर मैं सोचता हूँ क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ डाल दिया जाए कि ये जो सब कहते हैं या फिर सबका ये तो बहुत डेप्थ की बात है कि मैं कुछ यह खास चीज इस पे पुट कर सकता हूँ कि ये एक कुछ अलग बन जाए, वो सिर्फ एक इमेज ना रहे, तो इसमें मैं छोटा छोटा करके मैं इमेज को ढूंढता हूँ, तो उसमें 2 या 3 इमेज को मैं जुड़ता हूँ, जैसा कि तुमने जो पिछले वाले फोटोग्राफ देखा मास्क के पीछे जो आदमी था वो मैं था, वो मैं छोटा अच्छा। सा उस पिक्चर में वो मेरा ही हाथ है, तो मैं मिरर पर देखता था कि क्या इस कैरेक्टर के लिए मैं हर वक्त मुझे मॉडल नहीं मिलता है, तो अब तो वो जमाना भी नहीं रहा कि मॉडल अवेलेबल है, तो खुद सामने बैठ कर मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। तो इस आर्ट वर्क में नीचे जो आपने डॉल बनाई है इसका क्या मतलब है, ये क्या स्टोरी बताना चाहिए? इस चीज का बात कर रहे हो मैं पूछा था कि ये जो पेंटिंग आपने बनाई है ये क्या स्टोरी क्या बताना चाह रही है? ये एक चाय जर्नीस के ऊपर मैं पेंटिंग बनाया था, क्योंकि एक इस पर जो एक डॉल गिरा पड़ा हुआ है उस पर अब्यूज करा हुआ है, उसका कपड़े फाड़ कर फेंक दिया है, जैसा कि हमें सोसाइटी में चाइल्ड को ऐसे अब्यूज करके फेंक देता है कोई, तो पास में एक साइड बाई साइड एक फ्लावर्स है, देखना
किसके जो वो गिरा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो और पीछे एक जो मास्क वाला इंसान है उसका एंजॉय कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी में जो लोग अब्यूज करते हैं वो कोई नॉर्मल बंदा या फिर नॉर्मल इंसान या फिर नॉर्मल ह्यूमन बींग ऐसा नहीं कर सकता, तो उसका मजा उठा रहा है। और दो चीज मैंने खास चीज पुट किया, जो डॉल में था, डॉल दर्शाता है कि एक चाइल्ड टाइम के पीरियड में एक बच्चे का बहुत ही फेवरेट चीज रहता है वो डॉल। और मैंने ज्यादातर जो मैं फिल्म देखा या रियल लाइफ में जो सुना कि एक बच्चे अट्रैक्टेड होता है जोकर्स की तरफ, तो वो जो मास्क वाला या फिर जोकर्स वाला ये है उसके पीछे एक बहुत ही क्या बताऊं, एक बहुत ही घिनौना एक पोर्ट्रेट रहता है, तो वो मास्क के पीछे वो एक सोसाइटी में जो हो रहे हैं चाइल्ड अब्यूज जैसे कि ये थॉट, इस पर मैं ये पेंटिंग बनाया था। ये मैमपी आर्ट्स का क्वेश्चन है, अनुपम सर, रियलिस्टिक और रियलिज्म ड्राइंग सेम है क्या? मैं समझा नहीं। मैमपी आर्ट्स का क्वेश्चन है ये, अनुपम सर, रियलिस्टिक और रियलिज्म ड्राइंग सेम है क्या? ये पूछ रहे रियलिज्म और रियलिस्टिक सेम है क्या? हाँ, एक ही तो है, क्योंकि रियलिज्म और रियलिस्टिक, रियलिज्म एक टर्म है जिसमें रियलिस्टिक काम बनता है, और रियलिस्टिक है कुछ स्पेसिफिक, कोई आत्मा को बता सकता है ये रियलिस्टिक, क्योंकि रियलिस्टिक बनता है रियलिज्म के व्यू की तरफ से, तो रियलिज्म एक व्यू है और रियलिस्टिक है जो प्रैक्टिकल आर्टवर्क जो है वो मैं किस स्टाइल से बना रहा हूँ वो है रियलिस्टिक। अच्छा, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो ना, वो आप क्वेश्चन वाला जो ये साइड में जो आता ना ऑप्शन, इसमें आप डाल सकते हो। और तो एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इफ यू डोंट गेट टाइम टू इम्प्रूव योर आर्ट, हाउ विल बी एबल टू मेक इट बेटर? अगर हमारे पास टाइम नहीं है आर्ट इम्प्रूव करने के लिए, तो हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। हाँ, ये तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसा भी है कि एक एज लिमिट के बहुत ही ज्यादा एज लिमिट हो गए हैं, तो उस वो आर्ट के फील्ड में आना चाहता है कि इसके टाइम उसके प्रैक्टिस करने का सवाल, एक बार जरा पूछना मेरे को। सवाल ये है कि अगर आर्ट करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? देखो, आर्ट करने के टाइम नहीं है तो बात ही खत्म, क्योंकि आर्ट करने के टाइम तुमको निकलना पड़ेगा। ये तो आर्ट करने के टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आर्ट करने का मुझे टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे इम्प्रूव होगा? क्योंकि एक मान लो कि मैं डेली रफ स्केचेस कर रहा हूँ या फिर जेस्चर ड्राइंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा, तो उस टाइम जो मैं अगर नहीं दे सका तो वो क्या मैंने इम्प्रूव करने की कोई चांस ही नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अगर जैसे बोला ना कि टाइम नहीं है तो कैसे इम्प्रूव करें, तो उसमें आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो कि जैसे कि टाइम आपको निकालना पड़ेगा, जैसा भाई ने बोला कि अगर टाइम नहीं दोगे तो इम्प्रूव होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। आप ये कर सकते हो कि जैसे होता है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आप डेली के एटलीस्ट 20 मिनट तो दो, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 20-25 मिनट तो डेली के निकाल दो। और इतना तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि अगर आप अपना फ़ोन भी चेक करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन सी ऐप कितने घंटे, आजकल फीचर होता है ना फ़ोन में जिसमें आप पता लग जाता है कि हमने कितने घंटे क्या यूज़ करा हुआ है। तो एटलीस्ट 8-10 घंटे, 5 घंटे तो आपको फ़ोन आपने यूज़ करा ही होगा। आप यूट्यूब पे 1 घंटे वीडियो में निकाल दिया, आपने मूवी में निकाल दी, तो उस मूवी में से आधा घंटा कम कर दो, आधा घंटा 20 मिनट कम कर दो उसकी, और वो 20 मिनट आप अपनी आर्ट को दे दो। उसमें आप थोड़ा बहुत क्विक स्केचिंग वगैरह प्रैक्टिस कर सकती हो, थोड़ी बहुत ड्राइंग की एक्सरसाइज वगैरह, क्यूब वगैरह की प्रैक्टिस, बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करके देखो, लाइव स्केचिंग कर लो, तो
उससे आप काफी इम्प्रूव कर सकते हो। पर आप ये मत करो कि कुछ लोग करते हैं ना कि हमने एक हफ्ते तक काम नहीं किया और हम लास्ट की वीक में, जैसे संडे को छुट्टी है तो संडे को हम 4-5 घंटे काम करेंगे जो जॉब वाले बंदे हैं, और फिर क्या करते हैं वो कि नेक्स्ट वीक बिल्कुल काम नहीं करते, फिर संडे को काम करने बैठते हैं तो फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो इसकी वजह आप ये करो कि रोज 10-10, 20-20 मिनट काम करो ताकि डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हो। आर्ट ऐसी इम्प्रूव होती है, अगर आप डेली 10 मिनट या बीस मिनट भी सौरभ, दोगे। सॉरी सौरभ, मैं एक बात इधर बोलता हूँ कि मैं अभी भी मुझे क्लास लेना पड़ता है। दिन का एक टाइम तो मैं शाम के बाद ही आर्ट वर्क के लिए टाइम निकालना पड़ता मुझे मुझे मिलता है इस टाइम। तो मैं कुछ भी स्कूल में जो भी देखता हूँ, कोई स्टूडेंट्स वगैरह वो भी देखकर मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। तो ये टाइम थोड़ा देने से ही आर्ट और आर्ट के लिए जितने भी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जिससे हम ये सब गुजर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये दिक्कत मुझे लगता है कि बिगिनर्स को ज्यादा आती है, कि शुरू में थोड़ा इंटरेस्ट उनका कम होता है। अब जैसे हम लोगों का कहना है कि हम लोग अगर आर्ट या स्केच नहीं करेंगे तो हमारे हाथों में खुजली मची रहती है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम हम निकाल ही लेते हैं उसके लिए खुद को, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी हो गई है कि हम करेंगे नहीं। जैसे होता है ना सिगरेट पीते तो उनको लत लग जाती है, तो ऐसे हमारे हमारे साथ है कि हमें लत लगी हुई है और बिगिनर्स को भी लत नहीं लगी, तो इस वजह से वो कहते हैं टाइम नहीं है या अवॉइड कर देते हैं, स्केचिंग नहीं करते। और हमारे हमारे साथ क्या कि हमें लत लगी हुई है, जैसे सिगरेट और शराबियों को लेकर, तो कैसे ना कैसे तो पी लेगा थोड़ी सी, तो हमारे साथ भी एक ही लत लगी हुई है, खुजली मचती है करने की, तो अगर हम करेंगे नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी। इसलिए हम कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके हमारी बॉडी टाइम निकाल लेती है, भले ही हम हमारे पास टाइम ना हो और हमारे हाथ खुद ही टाइम निकाल लेते हैं। बस पेन हो हाथ में और स्केच हो और कुछ भी हो हाथ में, बस कुछ भी करते रहेंगे और टाइम निकल जाएगा अपने आप। और एक बात है सौरभ, मैं कुछ बिगिनर्स की बात करना चाहता हूँ। जो भी जो कमीशन को लेकर या फिर कमीशन करते हैं उसका जो अर्निंग सही, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल कुछ ऐसा ही है कि कमीशन अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी अर्निंग्स नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत टैलेंटेड बिगिनर्स हैं, मैं अभी भी उसको पहचानता हूँ, भी जानता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कमीशन वर्क जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि उसके जो गैप गैप में जो 10 मिनट या फिर 20 मिनट की जरूरत तुमने बात की, या डेली जो थोड़ा सा टाइम निकाल जाए उसमें कुछ फ्री हैंड स्केचिंग या फिर प्रैक्टिस में, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अर्निंग से बात छिड़ी है तो हम अर्निंग के ऊपर बात करते हैं। अनुपम भाई, आप अर्निंग के लिए क्या क्या सोर्सेस आपके हैं और आप किस तरीके से आर्ट से अर्निंग करते हो, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए, कुछ अपनी सीक्रेट्स कि आपने कैसे इस चीज़ को फेस किया, क्योंकि हर आर्टिस्ट स्ट्रगल फेस करता है शुरू में, फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं अर्निंग के अपने सोर्सेस डेवलप कर लेता है, तो आपने किस तरीके से वो डेवलप करे और बिगिनर आर्टिस्ट किस तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट आर्टिस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं तो अभी भी तुम्हें ऐसा सबको पता नहीं है, क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं अभी तक कमीशन पेंटिंग से मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ आर्ट के फील्ड में, या फिर फ्रीलांस के रूप में काम कर सकूँ, ये ऐसा मेरा ड्रीम है। तो आर्ट के जो अर्निंग है वो कमीशन से मुझे कुछ कुछ मिलता है। अभी भी उतना भी नहीं है कि आर्ट के ऊपर मैं डिपेंडेंट हो रहा हूँ, है ना, तो ये बात मैं कहना चाहूंगा। तो लेकिन इसके ऊपर मैं छोटा थोड़ा 2 या 3 मुझे आइडियाज तब मिला जब मैं इंस्टाग्राम यूज करने लगा। पहला तो देखो, हर कुछ तो सोशल मीडिया पर ही है, आप जो प्रमोशन या फिर जो कमीशन जो आर्टवर्क्स या फिर कोई भी आर्टवर्क्स आर्ट को लेकर इन फ्यूचर में प्रोसीड होने की जो मन में चल रहा है, तो वो इंस्टाग्राम पे ही है या फिर सोशल मीडिया पर। तो इंस्टाग्राम को हैंडल करने का मैंने देखा कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैंडल नहीं कर पाते, कुछ भी होकर डाल देते हैं। तो पहले पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एक ऐसा रखो कि उससे व्यूअर्स को पता चले कि तुम आर्ट आर्ट में हो, या फिर आर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आर्ट को लेकर बढ़ना चाहते हो। क्योंकि एक प्रोफाइल मैंने देखा था कि आर्ट के वीडियोस
डालते थे आर्ट के ऊपर, रील्स बनाते थे, उसमें बीच बीच में कुछ आने तारी कुछ वीडियो अपलोड करने थे। ये थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड रखना पड़ेगा। तो आर्ट के ऊपर अगर अर्निंग करना चाहो तो खुद का टाइम निकाल कर अपने स्किल को दो, क्योंकि आर्ट फील्ड एक ऐसा एक वास्ट फील्ड है जो बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह उठकर सोचा कि रात में मैं बड़ा आर्टिस्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। मेरे तो अभी भी ऐसा रहा है, तो मैं ये शेयर करता हूँ। तो जो अपने जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसको ठीक तरह हैंडल करना नहीं आता तुम्हें सबको, तो एक एक करके दो दो करके खुद का बेस्ट टाइम देकर, इतने भी जल्दीबाजी में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा करके एक या दो आर्टवर्क अच्छे से, बीच बीच में कोई प्रैक्टिस वर्क देना या फिर अपलोड कर, धीरे 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 ऐसा करके कोई व्यूअर्स को लगेगा कि इसमें एक एबिलिटी है कि मैं इसको कमीशन दे सकता हूँ। और साइड बाय साइड मुझे खुद का प्रमोशन एक बहुत बड़ा चीज है इस टाइम पे। खुद का प्रमोशन तभी होगा जब हमारा खुद का आर्टवर्क उस लेवल तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज सोचने लगा कि आर्ट कुछ भी डाल दो मैं मुझे कमीशन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टोटली बिजनेस हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके उसको आर्ट को अपने काम को दिखाना है कि मैं इसे बिजनेस की विजन से देख रहा हूँ। और मुझे इसमें ये मेरा हिंदी लगता है बहुत ही कि टूटी फूटी बिगिनर्स, है, माफ करना सौरभ, मेरा हिंदी बहुत ही नहीं टूटी नहीं फूटी हिंदी है। तो आप मैं बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हो, हिंदी तो आपकी बहुत बढ़िया है। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि आपने कोई वर्ड कुछ भी उल्टा सीधा गलत बोल दिया हो, बहुत बढ़िया चल रही है आपकी हिंदी। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनर्स ज़्यादा वो सोचते हैं, मतलब पहले ही मतलब अर्निंग की तरफ ज़्यादा उनका फोकस होता है बजाय काम के ऊपर। और आर्ट एक ऐसी फील्ड है जो मतलब स्ट्रगल तो मानती है लेकिन थोड़ा 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 आपको देती भी रहती है। मतलब अगर आप कोई और फील्ड में जाओगे तो जब तक आपकी कहीं जॉब नहीं लग जाएगी या आप कुछ, तब तक आप स्टेब्लिश नहीं हो जाते उसमें, तब तक आपकी अर्निंग नहीं होती। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जब तक आपके नाम के आगे डॉक्टर लग नहीं जाएगा, आप अपना क्लिनिक नहीं खोल लोगे, तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी। आर्ट ये में बात ऐसा सही नहीं है। है। आर्ट में जब आप बिगिनर होते हो तब से ही आप 100, 250 रुपये से भी शुरुआत करते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा आपकी अर्निंग हो जा रही है कि आपका कट जाए। आप जैसे कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर से अपनी फीस खुद ही निकालने लग जाते हैं, फोर्थ ईयर तक आते आते एमएफए करते करते उनको काम मिलना चालू हो जाता है। तो आर्ट एक ऐसी फील्ड है जो मतलब आपको थोड़ा 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 करके बीच बीच में आपको देती भी रहती है, काम देती रहती है, आपको मनी देती रहती है, साथ में फेम भी देती है अलग से। ऐसी कोई दूसरी फील्ड नहीं जहाँ पे आपको फेम भी मिले और मनी भी मिले। और ये भी है कि आप छोटे भी होते हो, मीडियम भी होते हो, फिर बड़े से बड़ा, किसी कोई अपर लिमिट कुछ नहीं है कि आप हजारों में भी कमाते हो, 100 में भी कमाते हो, लाख में भी कमाते हो, करोड़ों में भी कमाते हो। अब बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आर्ट में जाने ही नहीं देते। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे अनुपम भाई, कि मतलब पेरेंट्स को बच्चे कैसे कन्विंस करें या पेरेंट्स की सोच क्या होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर? मैं जिस टाइम पे ग्रो अप कर रहा था, मेरे खुद पेरेंट्स जो है वो कभी भी नहीं चाहता था कि मैं आर्ट फील्ड की तरफ आऊँ, क्योंकि पेरेंट्स को ये हाँ मेरे लगता है साथ भी कि ऐसा फ्यूचर था। इनसिक्योर, फ्यूचर इनसिक्योर हो जाएगा। तो मेरा तो ऐसा रहा है। तो अभी भी जमाना बदल रहा है धीरे धीरे करके, पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे यह लगता है कि सौरभ कि इंडिया में आर्ट को लेकर जितना भी काम बन रहा है अभी भी ये बहुत फास्ट हुआ है। पहले तो आर्ट लवर्स भी इतने नहीं थे, आर्ट से जुड़े हुए पीपल नहीं थे, वो सारे जुड़ रहे हैं आर्ट के ऊपर। एक बहुत ही बड़ा काम करने का फील बन रहा है। तो पेरेंट्स का सोच भी धीरे धीरे बदलने लगा है। तो ये उसमें भी जो जो पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि ये मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी आर्ट फील्ड में
जाए, तो वो तो पेरेंट्स के एक इनसिक्योरिटी होता है। लेकिन ये मत सोचना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि हर कोई सपोर्ट करेगा तुमको, क्योंकि खुद का जो भूख है उसको, तुम्हें जो ड्रीम है उसके लिए ये तो बात पहले से ही निकाल देना चाहिए कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे बैठ गए और बोलने लगे कि नहीं, ये ठीक कर रहे हो तुम, या फिर इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये काम करो वो काम करो। ये तो मुझे लगता है कि ये बात पहले से ही दिमाग में निकल देना चाहिए। मैं आपके लिए कितना डिवोटेड हूँ वो टाइम मुझे देना पड़ेगा। तो एक जब भी तुम आर्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्री हैंड करके, या फिर स्केचेस कर, या फिर पहले से फ्री कमीशन करते हैं बहुत लोग, मैं तो ये भी कहता हूँ फ्री पहले का फ्री में भी कमीशन करना पड़े वो भी में करो। करो। तो ये बात जब पेरेंट्स देखेगा कि उसका जो आर्न आर्न करने का थोड़ा थोड़ा करके जो अर्निंग्स मिल रहा है, या फिर कमीशन करके जो मिल रहा है, तो वो टाइम के साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी समझ जाएंगे। और जैसे आपने फ्री वाली बात बोली ना, उसमें बहुत से आर्टिस्ट कई बार ना ये चीज बोलते हैं कि आप फ्री में मत करो कुछ भी, फ्री में काम मत करो। तो मुझे लगता है आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपको फ्री में काम करना पड़ेगा शुरू। कुछ काम आपको अपने दोस्तों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वही सबसे पहले आपको कमीशन देते हैं दोस्त यार, तो उनके लिए आपको शुरू में फ्री में करना पड़ेगा। और उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हुई है तो फ्री में आपको शुरू में करना पड़ेगा। आपको आप शुरू में ये एटीट्यूड लेके नहीं चल सकते कि मैं तो पैसे लेकर ही काम करूंगा, फिर वो आप गलत चले जाऊंगे उसमें, बिल्कुल और फिर आपको काम मिलेगा ही नहीं फिर उसमें। तो ये भी एक चीज होती है। अच्छा, जैसे हमने अभी पेरेंट्स को लेके भी बात करी कि पेरेंट्स इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को, दूसरा कि ये भी रहता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनका ये उनका वो भी गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में आर्टिस्टों को बिल्कुल देखा है, झोले छाप आर्टिस्टों को देखा, तो उनका माइंडसेट वही है कि आर्टिस्ट सारे झोला छाप होते हैं, कुछ कमाते नहीं है, या उन्होंने सड़कों पर ड्रॉ करते हुए देखा है आर्टिस्टों को। हालांकि सड़कों पे जो ड्रॉ कर रहा है आर्टिस्ट वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, वो भी एक तरह से उसके पास स्किल है तभी तो वो पैसा कमा पा रहा है। अगर उसके पास वो आर्ट की स्किल नहीं होती तो सकता है वो भीख भी मांग रहा होता, पर वो भीख भी मांग रहा किसी से, वो सड़क पे ड्रॉ करके भी बना पा रहा है, स्किल है तभी कर पा रहा है वो चीज़, और वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि आप इस तरीके से उसका भी एक पॉजिटिव वे देखो, और पेरेंट्स को अब दिखने लगा है कि भाई इसमें अर्निंग है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, और आर्टिस्टों ने भी जैसे कि एक बातचीत करना शुरू कर दिया। पहले आर्टिस्ट बात भी नहीं करते थे किसी, जो बड़े आर्टिस्ट होते थे उनमें अलग एटीट्यूड होता, बात ही नहीं करते थे वो, अब लोग खुल के बात करने लगे हैं। आर्टिस्टों में थोड़ा सा वो बिल्कुल क्या बोलते हैं वो आ गया, थोड़ा मतलब सबसे बात करने लगे हैं, थोड़ा काम हो गए हैं, तो ये भी एक चीज़ है, उस वजह से भी लोग देखते हैं। और पेरेंट्स का भी यही है कि पहले उनको उन्होंने अपने टाइम में जो चीज़ देखी, अब हमें ये चीज़ समझानी पड़ेगी। एटलीस्ट आपको शुरू में तो फाइट करनी पड़ेगी अपने लिए, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मैं कुछ कर लेता हूँ। आप ये देखो ना, 10 साल का विजन रखो आगे का, कि 10 साल बाद अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, इंजीनियर बन जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ मुझे फोर्स कर रहे, तो क्या मैं खुश होऊंगा उसके बाद? 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी? मैं परेशान होऊंगा? फिर आप 10 साल बाद फिर आप आर्ट करने के पीछे भागोगे और बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं, तो वो चीज़ मैं तब मतलब 10 साल आप बाद आप रिग्रेट करोगे। तो उससे बढ़िया कि आप अपने लिए अभी थोड़ी सी फाइट कर लो। ऐसा तो नहीं कि आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे, मार पीट के जेल में डाल देंगे, ऐसा तो कोई नहीं करता। थोड़ी सी फाइट कर लो उसके लिए, थोड़ा सा आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए एटलीस्ट, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको समझाओ। आज तो गूगल है, गूगल पर दिखाओ कि कितने सारे करियर ऑप्शन हैं आर्ट को लेके, कितनी सारी फील्ड्स हैं, तो अपने आप ही वो मान जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं, आप बताओगे तो आर्ट उनको के पता लेकर लगेगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, या फिर फैकल्टीज है, या मार्केट, आर्ट के मार्केट बहुत वास्ट है, हम उसे नहीं जानते कैसे डीप करना चाहिए, ये तो बहुत लैक है। और ये भी है ना कि बिगनर्स को ना कॉन्फिडेंस नहीं होता इस चीज़ को लेके, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बीच की नाव में अटके रहते हैं। वो लगता है कि हम शायद नहीं कर पाएंगे तो हमारे पेरेंट्स के पैसे बर्बाद ना हो जाएं, उनके भी दिमाग में नहीं है, बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता कि फिर मुझे लोग ता नहीं देंगे। पर आप इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपको, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है ना हमारी फील्ड में, आप ये करो कि हाँ मेहनत करूंगा तो होगा, और जो लोग मेहनत करते हैं उनको फिर ये फील्ड देती भी है उस लेवल का काम।
मैं ये बिगिनर्स को ये भी कोडिंग कहता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं ये बिगिनर्स को ये भी कहता हूँ कि जो भी टाइम पर, इस टाइम पर जो भी मेहनत तुम दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा इन फ्यूचर में। तो कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है खुद का काम को लेकर। मुझे कॉन्फिडेंट, ये बहुत खास चीज है, मुझको कॉन्फिडेंट रहना है, मुझको डेली प्रैक्टिस में रहना है। तो अगर मैं धीरे धीरे मेरे जैसा कोई जिसको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, मैं कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिस्ट मुझे आकर कुछ बोल दे कि, या फिर थोड़ा गाइडेंस मिल। अगर मेरे जैसा बंदा ये इसके लिए अभी भी स्ट्रगल कर सकता है थोड़ा थोड़ा करके, तो आप तो क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सचिन का कि सर आजकल बहुत आज के समय में ज्यादातर कलाकार जो हैं वो बाजारू हो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या हो गया? बाजारू हो गए, बाजारी मतलब बहुत ज्यादा बाजारू हो गए, मतलब बाजार का काम करने लगे हैं, बिकने वाला काम करने लगे हैं उस तरीके से। तो आर्टिस्ट वो तो अपने मुकाम तक एक चीज करके, अगर कुछ कोई आर्टिस्ट को बाजार हो या फिर वो आइडेंटिफिकेशन मार्क देने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसने उस लाइफ उसने कैसे इस मुकाम तक पहुंचा। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो बाजार हो गए, वो जरूर कुछ ना कुछ उसके लाइफ में थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो, अपने लिए अपने आर्ट के ऊपर उस टाइम दी है। तो तभी तक मैं उसको मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत सक्सेसफुल है। तो बाजार हो गए हैं, ये चीज मैं थोड़ा सहमत नहीं हो सकता है इसके बारे में। क्योंकि आर्ट को लेकर जो कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट को लेकर जो मार्केट को वो डील कर रहा है, तो ये तो आर्टिस्ट करेगा ही। और अर्निंग की अर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ यही गए बात हैं, है तो सौरभ, आर्टिस्ट भी क्या करें। हम ये देखते हैं कोई है, किसका आर्टिस्ट का किस कुल हम ये देखते हैं कि आर्टिस्ट कैसे मटेरियल्स यूज करते हैं, कैसे महंगे मटेरियल्स, या फिर उसका अर्निंग्स क्या है, इसमें ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि हाँ हम का जो माइंड स्टेट ऐसा नहीं रहता है कि उसके लिए इसने लाइफ में क्या दिया, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर के देख रहे हैं हम, अंदर को कोई नहीं पढ़ता। और दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि अगर बहुत से आर्टिस्ट बाजारू हो भी गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अच्छी बात है, आप उनको बाजारू होने दीजिए और आप अपने काम पर फोकस करके आपके लिए फील्ड्स, मतलब अगर बहुत सारे आर्टिस्ट आज के टाइम बाजारू हो रहे हैं तो आपके लिए स्कोप खुल रहा है उस जगह का, जो पॉइंट जो गैप खाली है ना बिल्कुल आप उसको फिल बिल्कुल, कर सकते हो, बहुत अच्छी पॉइंट। तो आपके लिए वो गैप फ्री है, आप उस गैप पे फिल करने के लिए जो है ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी लगता है कहीं ना कहीं ना यहाँ पे थोड़ा सा ना हल्का सा जेलिसी फैक्टर भी आ जाता है कि हमें लग रहा है यार इस आर्टिस्ट का काम बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं जेलिसी भी आ जाती है हमारे अंदर, इस वजह से भी क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट ये तो बाजार हुआ है, ये सिर्फ बाजार वाला काम करता है, इस सेंस की काम बिक नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर थोड़ी सी बची हुई है, तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन उस वजह से भी आ जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं सवाल हूँ। अब उसका काम अगर बिक रहा है कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऐड कर रहा है किसी ना किसी की, कोई जो उसका काम खरीद रहा है ना वो उसको कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है, जब भी उसका काम बिक रहा है वहां से आप सीख लिए सकते हो ये बिल्कुल, काम मुझे मार्केट के लिए अलग रखना है और ये मेरा अलग काम है। और अगर आप बाजारू नहीं होना चाहते तो ये और भी अच्छी बात है, आपके लिए गैप खुला हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हो बड़े आराम से। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन को जल्दी इम्प्रूव करने के क्या तरीके हो सकते हैं? ये ऑब्जर्व इसका क्वेश्चन है आर्टिस्टिक गुरुप्रीत का क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करने के। पहले तो एक बात क्लियर हो जाना चाहिए, ये सबके क्लियर नहीं है अभी तक।
हम कहते हैं कि आर्टिस्ट आर्टवर्क बनाते हैं अपने हाथों से, लेकिन मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट उसका आंखों, उसका जो विजन है वो आर्टवर्क्स बनाते हैं। हम आंखों से ड्राइंग करते हैं, मैं हर वक्त कहता हूँ ये बात। तो ऑब्जर्वेशन को, अगर ऑब्जर्वेशन स्किल को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें आउटडोर पर जाना पड़ेगा। आउटडोर में अगर कुछ हम मार्केट में या फिर बाजार में जाए, जो पीपल आमने सामने घूम रहे हैं, उसका नेचर, ये लाइफ, ये तुमको रियल लाइफ से ही मिलेगा ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे बैठे एक फोटो को लेकर हम ऑब्जर्वेशन स्किल पूर्ण मात्रा में ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमको आउटडोर जाना चाहिए, ये तो टाइम निकल कर या फिर हम उसमें आमने सामने, ऐसा है कि कोई मॉडल के लिए कोई हमें कोई रेफरेंस चाहिए, उसमें बाजार में घूम घूम कर जैसे कि मैं करता हूँ, कोई कुछ बार कुछ फोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि फोटो खींचने से पहले मैं वो देखता हूँ कि उसका जो आमने सामने को उसका एटमोसफियर कैसा है, उसका एम्बियंस कैसा है बाजार का, हर लोग आमने सामने घूम रहे हैं, लाइट कैसे आना है, शैडो कैसे गिरा है, ये सारे चीज को मैं देखता हूँ। तो मैं अगर सामने टेबल पर कोई भी बंदा बैठा है, मैं उसको देखता हूँ, तो वो भी मुझे पूछता है कि क्या देख रहे हो, तो ये भी सवाल मेरे सामने आता है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करने का यही तरीका है कि आउटडोर में कि जाकर लाइव कुछ देखो या फिर ड्रॉ करो, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी। और गुरुप्रीत भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि अगर आर्टिस्ट मार्केटिंग नहीं करेगा तो फिर ये बोलेंगे कि आर्ट में कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात बोली है। अब आपको ना इस चीज़ से थोड़ा सा मोटिवेट भी होना चाहिए कि अगर वो आर्टिस्ट अर्न कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, अच्छी बात नहीं। तो सर अभी जैसे कि AI सभी काम कर सकता है तो आगे जाके आर्टिस्ट की शक्ति बोला है क्या निकाल स्थिति क्या होगी। हाँ ये क्वेश्चन हम करने वाले थे, एंड में करने वाले थे, लेकिन AI को लेकर। तो AI के बारे में आपका क्या ऑप्शन है कि AI से बहुत लोग डरे हुए हैं कि AI बवाल मचा देगा और AI आर्टिस्टों को रिप्लेस कर देगा, खत्म हो जाएंगे आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्या कहना चाहते हो आप इस काम में? अभी भी मैं एक YouTube पे एक वीडियो देख रहा था, जिसमें लॉस एंजल्स का एक वीडियो था, जिसमें एक आर्टिस्ट काम कर रहे, बहुत बड़ा एक स्क्रीन है वो, उसमें मान लो कि 35 या फिर 40 मिलियन कुछ इमेज को लेकर वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कलर्स के एक वेव है। तो उस बंदे का मैं इंटरव्यू देखा, उसमें वो बोला कि ये एक रोबोट मैनिपुलेट कर रहा है। उसमें एक जो एक जर्नलिस्ट है उससे पूछ रहा था कि आप क्या ऐसा सोचते हैं कि आर्टिस्ट का थॉट या फिर दिमाग खत्म हो चुका है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ये आपने जो काम किया वो एक रोबोट मैनिपुलेट कर रहा है। तो उस आर्टिस्ट ने बोला, नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट का लाइव दिमाग नहीं है तो उस रोबोट को मैनिपुलेट कौन करेगा, क्योंकि थॉट आर्टिस्ट का जमाना पहले भी था और आज भी रहे हैं। भले ही रोबोट इन फ्यूचर में आ जाए, लेकिन उसके पीछे जो एक आर्टिस्ट का दिमाग रहता है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक आर्टिस्ट उसे कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उसका कहना है कि हम तो जो आर्टिस्ट लाइव काम करता है, क्योंकि हम नेचर से रिलेटेड, नेचर से जुड़े हुए हैं, तो ओरिजिनल आर्टवर्क हम जो बनाते हैं वो तो एक रोबोट बना रहा है। तो इसको लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सियल एक टॉपिक है मैं जो देखा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जमाने के साथ साथ आर्ट इवेलुएट होते चले गए, जैसा कि लोग रियलिज्म से लेकर, या फिर केप पेंटिंग ले लो, हमारे इंडिया में बहुत वर्ल्ड फेमस जो केप पेंटिंग्स है
उससे हम धीरे 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 अब रेनेसा आए, इम्प्रेशनिज्म आए वर्ल्ड में, तो आर्ट तो मॉडर्न आर्ट की तरफ अगर बन रहे हैं ना, तो भले ही से एक रोबोट मैनिपुलेट कर रहा है लेकिन उसके पीछे एक आर्टिस्ट का थॉट है, तो वो भी एक काम है। इसे नहीं कह सकते कि वो काम नहीं है या फिर वही कोई आर्ट वर्क नहीं, मैं ऐसे सहमत नहीं हूँ। या तो डिजिटल पेंटर, डिजिटल क्रिएटिव आर्टिस्ट भी बना रहा है, तो स्क्रीन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो भी हम कहते हैं कि वो तो मशीन बना रहा है भले ही हम, लेकिन रोबोट को मैनिपुलेट कर रहा है कौन? आर्टिस्ट का दिमाग। तो आर्टिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जैसे कि एआई आज के टाइम पे कह रहे हैं ना कि एआई आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज कि बहुत सारे ऐप्स, कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जिसपे आप सेल्फ लिख दो, और डिस्कॉर्ड के सर्वर से ऐसे आप लिख दो, आप उसको बता दो क्या क्या करना है और वो वैसा बना के दे देता है आपको। हालांकि उसमें भी अभी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं कि बना के दे देगा, रियलिस्टिक बना के दे देगा, पर उसके हाथ सही से नहीं बनते। एआई मैंने देखा हाथों में वो दिक्कत करता है बनाने में, तो ठीक है वो डेवलप हो जाएगा आज से 1-2 साल बाद, और एडवांस हो जाएगा तो और अच्छे से एआई बनाने लगेगा। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि थॉट प्रोसेस, अब आर्टिस्ट ही उसको यूज करेंगे, अब कोई आम बंदा अगर बनाएगा उसको ठीक है बता दिया उसने बहुत अच्छा बना दिया, पर जब कोई आर्टिस्ट बनाएगा तो उसकी बात अलग ही होगी और फिर वो उसको यूज करेगा अपनी पेंटिंग्स वगैरह। अब क्या होगा ना कि एआई से आप बना तो लोगे, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल ही है वो, रियल तो है नहीं, उससे फटाफट से 5-2 मिनट बन जाता है। और वही एक आर्टिस्ट पूरे दिन लगा के, 1 महीना लगा के एक पेंटिंग को बनाता है, अब कोई बायर है वो देखेगा तो उसकी जो वैल्यू है एआई की बनी हुई की वही है 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, मैक्सिमम 1,000 रुपये, और जो हाथ से बनी हुई पेंटिंग है उसकी वही वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, करोड़ तक जा रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही इसी वजह से कि वो किसी बंदे ने हाथ से बनाई है। अब चाहे आगे जाके फ्यूचर एआई कितना भी एडवांस हो जाए, पर जो वो बिल्कुल फीलिंग है ना, हम इंसान फीलिंग के ऊपर काम करते हैं, हम देखेंगे कि हाँ यार इसने हाथ, हम उसकी वैल्यू हमेशा करेंगे उस, क्योंकि आर्टिस्ट का नेचर होता है, आर्टिस्ट की वैल्यू होती है, खुद की एक वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा करेंगे। एआई की हम कभी वैल्यू नहीं करेंगे, चाहे एआई कितना भी अच्छा बना ले, उसकी वैल्यू वही 1,000-2,000 वाली होगी, पर एक आर्टिस्ट जब बनाएगा उसकी, क्योंकि इंसान की वैल्यू है, इंसान ने बनाई वो चीज़। पहले के टाइम पर लोग सोचते थे कैमरा रिप्लेस कर देगा आर्टिस्ट को, पर कैमरे ने आर्टिस्ट की उल्टा हेल्प करी। आज के टाइम पे कैमरे कहीं रिप्लेस नहीं किया, जिनको आर्ट वर्क बनवाना होता है, कमीशन वर्क देने होते हैं, उनको वैल्यू है उस चीज की तो वो बनवाते भी हैं। हालांकि कुछ जॉब्स हैं जो रिप्लेस होंगी, लेकिन आर्टिस्ट रिप्लेस नहीं होगा एआई के, क्योंकि बिल्कुल वो जो बिल्कुल। इंसान विंसेंट वैन गॉग के आर्टवर्क्स को लेकर एक बिल्कुल बहुत ही बड़ा ये काम करा था, लेकिन उसने वो थॉट निकाले कैसे, एक आर्टिस्ट का आर्टवर्क लेकर कि मैं तो कहता हूँ एआई डिपेंडेंट है एक आर्टिस्ट के आर्टवर्क को ऊपर, क्योंकि वो जो नहीं है तो एआई कैसा है। लेकिन ऐसा हमने देखे कि एआई नहीं है तो एक आर्टिस्ट उसका थॉट अपने कैनवास पर लेता है, वो तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और उल्टा ये चीज़ें ना हेल्प करेंगी आर्टिस्टों को, हो सकता है कुछ कुछ जॉब्स रिप्लेस होंगी जरूर से, जो बिगिनिंग लेवल की जॉब्स होंगी, लेकिन ये चीज़ें हेल्प जरूर करेंगी आर्टिस्ट को अपने आर्ट को और तेजी से ग्रो करने के लिए और एडवांस करने के लिए। तो दूसरे ये भी, अगर रोबोट्स बोलते हैं, रोबोट्स अगर बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि हमने बोलना छोड़ दिया, रोबोट्स ही बोलते हैं, हम इंसान भी बोलते हैं, ऐसा तो नहीं कि रोबोट खाना खाने लग जाएगा तो हम खाना खाने छोड़ देंगे। तो ऐसे भी पेंटिंग के साथ अगर कोई आर्टिस्ट ड्रॉ करना सीख रहा है, इससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, और हर चीज़ अगर एआई करने लगेगा तो इंसान करेगा ही क्या, ऐसा तो नहीं इंसान खाली पड़ जाएगा, उसको करेगा ना इंसान, तो हर चीज़ को रिप्लेस नहीं करेगा एआई, एआई सिर्फ हेल्प करेगा हमारी चीज़ों को, ये चीज़ें करने में, वो चीज़ें फटाफट से करने में। हालांकि आर्टिस्ट की वैल्यू है वो तो रहेगी रहेगी, अब पुराने आर्टवर्क्स हैं, आप आज कितनी फोटोज हैं, कितना कुछ एडवांस हो गया, फिर भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो पेंटिंग्स करोड़ों की म्यूजियम में लगी हुई है, हम उनको मेंटेन करते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है उनको मेंटेन करने के, पर क्यों होता है, क्योंकि किसी एआई ने नहीं बनाई, किसी इंसान ने बनाई, इसलिए उनकी वैल्यू है। तो ऐसे ही आगे जाके भी जो इंसान बनाएंगे बल्कि उनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी एआई के आने से। बिल्कुल बिल्कुल तो एआई से हमें ज़्यादा परेशान होने, और दूसरी ये भी है ना कि अगर हम हर चीज़ को छोड़ो, चलो कि एआई रिप्लेस कर देगा आर्टिस्ट को, बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा,
तो जिन लोगों के रूट मजबूत होंगे ना, जिन जिनका आर्ट मजबूत होगा, वो कहीं ना कहीं से तोड़ निकाल लेगा चीज का अपनी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ। वो आर्टिस्ट होता ही इसलिए आर्टिस्ट है कि वो हर चीज का तोड़ निकाल लेता है, तो उसका भी तोड़ आर्टिस्ट खुद ही निकाल लेगा AI का यूज करके। बस थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा चीजों से, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसे होकर सो रहे हो, कोई आपको AI आ गया और आपको रिप्लेस करके चला गया। रिप्लेस वही लोग होंगे जो सोते रहेंगे, जो जगे रहेंगे, जिनका बिल्कुल ध्यान रहेगा चारों तरफ क्या चल रहा है, वो रिप्लेस नहीं होंगे। तो सेवन आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इमोशंस पर अभी साइंटिस्ट कम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर, पर अभी सुनने में आ रहा है कि AI सेल्फ लर्नर है और वो ह्यूमन से 1000 गुना ज्यादा जल्दी सीखता है। वो सीखता है ह्यूमन से, पर हम इंसान काम करना तो नहीं छोड़ देंगे ना, तो ये बिल्कुल, चीज है बस कि इंसान की वैल्यू रहेगी ना, तो वो इंसान तो कुछ एज अ। अननेचुरल सा चीज है हाँ ना, पर वो तो कोई अननेचुरल सा चीज है ना। एक दिमाग हाँ नेचर ने हमें जो कैपेसिटी गिफ्ट की है, या हमारे दिमाग में जो जो एबिलिटीज गिफ्ट किया है, वो तो हम पुट कर रहे हैं मशीन के थ्रू। तो ये तो कोई कुछ अननेचुरल सा चीज है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग ये नहीं कर सकता। और दूसरा ये नेचुरल भी कि चीज की हर आर्टिस्ट वक्त कदर रहा है और